जय भीम नमो बुद्धाय। मैं उमाकांत और बुद्धा जर्नी में आपका स्वागत है। आज हम एक विशेष टॉपिक पर बात करेंगे। शायद आपके लिए एक साधारण बात हो सकती है, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है कि आप सभी को इसका ज्ञान होना चाहिए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भगवान बुद्ध की प्रतिमा की। आपके घर में भगवान बुद्ध की कोई फोटो, पेंटिंग या मूर्ति जरूर हो सकती है। अगर आप उसका बारीकी से निरीक्षण करेंगे तो आपके ध्यान में आएगा कि भगवान बुद्ध के हाथों की एक विशेष पोजीशन होती है और उस पोजीशन को भगवान बुद्ध की मुद्रा कहा जाता है। क्या आप जानते हैं इन मुद्राओं का क्या अर्थ होता है? पूरी दुनिया में भगवान बुद्ध की ऐसी कितनी मुद्राएं हैं? तो आज के इस विशेष ब्लॉग में आज हम इन सभी मुद्राओं का ज्ञान लेंगे और देखेंगे कि इन मुद्राओं का अर्थ क्या होते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम जिस मुद्रा के बारे में देखेंगे उसे ध्यान मुद्रा कहा जाता है। बोधि वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध ने इसी तरह से ध्यान किया था। इस मुद्रा में दोनों हाथों को गोदी में रखकर ध्यान किया जाता है। इस मुद्रा को समाधि मुद्रा या चिकित्सक मुद्रा भी कहा जाता है। दूसरी मुद्रा है भूमि स्पर्श मुद्रा। इस मुद्रा में बाईना हाथ गोदी में और दाईना हाथ घुटनों से होकर जमीन को छूता है, जिसे पृथ्वी को छूना भी कहते हैं। भगवान बुद्ध दावा करते हैं कि पृथ्वी उनके ज्ञान की साक्षी है। तीसरी मुद्रा है धम्म चक्र मुद्रा। ज्ञान प्राप्ति के बाद तथागत भगवान बुद्ध ने सर्वप्रथम इस मुद्रा में धम्मोपदेश दिया था। भगवान बुद्ध अपने सारे प्रवचन इसी मुद्रा में देते थे। इस मुद्रा में दोनों हाथ सीने के सामने रख के दाहिना हाथ बाहर की ओर और बाईना हाथ अंदर की ओर रखकर एक हाथ का अंगूठा और तर्जनी दूसरे हाथ को स्पर्श करती है। यह मुद्रा का अर्थ धम्म का चक्र गतिमान करना है। चौथी मुद्रा है वरद मुद्रा। इस मुद्रा में बाईना हाथ गोदी में फैला कर रखते हैं और दाईना हाथ घुटनों पर बाहरी ओर फैला कर रखते हैं। यह मुद्रा दया, दान, अर्पण और ऑनेस्टी का प्रतीक है। पांचवी मुद्रा है अभय मुद्रा। इस मुद्रा में बाईना हाथ गोदी में फैला कर रखते हैं और दाईना हाथ को सीने तक ऊपर उठाकर अंगुलियां फैलाकर आशीर्वाद को दर्शाता है। यह मुद्रा शांति, सुरक्षा और निर्भयता को दर्शाता है। छठी मुद्रा है कर्ण मुद्रा। इस मुद्रा में बाईना हाथ गोदी में या पेट को समांतर रखते हैं और दाहिना हाथ कंधे तक ऊपर उठाकर अंगुलिया की विशिष्ट रचना से करते हैं। इस मुद्रा में तर्जनी और कनिष्ठ को ऊपर उठाकर मध्यमा और अनामिका को नीचे झुकाकर मध्यमा अंगूठे को छूते हुए इस मुद्रा की रचना होती है। यह मुद्रा पॉजिटिव एनर्जी की प्रतिनिधित्व करती है। सातवीं मुद्रा है वितर्क मुद्रा। इस मुद्रा में बाईना हाथ गोदी में और दाईना हाथ सीने पर रखकर तर्जनी अंगूठे को स्पर्श करते हुए वितर्क मुद्रा भगवान बुद्ध की शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार का प्रतीक है। यह मुद्रा अभय मुद्रा की तरह ही है। आठवीं मुद्रा है वज्र मुद्रा। इस मुद्रा का निर्माण बाईने हाथ की तर्जनी को दाहिने हाथ की मुट्ठी में पकड़कर किया जाता है। ऐसी मुद्राएं ज़्यादातर पूर्वी देशों में पाई जाती है। यह मुद्रा सर्वोच्च ज्ञान का प्रतीक है। यह मुद्रा पंचतत्व यानी वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी और धातु को दर्शाती है। नवी मुद्रा है उत्तर बोधि मुद्रा। यह मुद्रा सर्वोच्च ज्ञान की ऊर्जा का प्रतीक है। इस मुद्रा में दोनों हाथ जोड़कर तर्जनिया एक दूसरे को छूते हुए ऊपर की ओर आती है और हृदय को स्पर्श करती है। दसवीं और आखिरी मुद्रा है अंजलि मुद्रा। इस मुद्रा को प्रार्थना या अभिवादन मुद्रा भी कहते हैं। इस मुद्रा में दाहिना और बाईना हाथ अंगुलियों के साथ एक दूसरे को समांतर रखकर हृदय स्पर्श के साथ नमस्कार को दर्शाता है। आज तक जितने एक्सकेवेशन हुए हैं उन सभी उत्खनन में भगवान बुद्ध से जुड़े हुए सबूत मिले हैं, जैसे कि भगवान बुद्ध की मुद्राएं हैं, धम्म लिपि के शिलालेख हैं, स्तूप के अवशेष हैं। सबसे प्राचीन मूर्तियां भी भगवान बुद्ध की हैं, लेकिन 10वीं और 12वीं सदी के बाद इन मूर्तियों पर अतिक्रमण किया गया है या तो फिर मॉडिफिकेशन किया गया है। भगवान बुद्ध का चेहरा देखकर आप उन्हें बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं, जैसे कि उनका लंबाकार चेहरा है,
उनकी लंबी कान है या घुंघरालू बाल है, तो इसीलिए उनकी पहचान अक्सर छुपाई जाती है। देखिए, उनके घुंघरालू बाल छुपाने के लिए कोई मुकुट लगाया जाता है, उनका चेहरा छुपाने के लिए कोई बड़ी आंखें लगाई जाती है, इसीलिए हम उन्हें नहीं पहचान पाते, लेकिन आप उनकी मुद्राएं देखकर भी उन्हें पहचान सकते हैं। तो आज का ये ब्लॉग आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताइए, और जल्दी हम मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए नमो बुद्धाय।